वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम यहाँ जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। तो दोस्तों जान लेते हैं, जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नया है, मैं करूँगा गुजारिश उससे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल कलर का बटन आता है, जैसे कि दोस्तों हमारी वीडियो का आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वर्गीकरण की आधारित इकाई है। दोस्तों आपको बताना है कि वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर है हमारा स्पीसीज। दोस्तों वर्गीकरण की इकाई हमारी स्पीसीज है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है। देखो दोस्तों आपको बताना है कि आलू कौन से कुल से संबंधित है। दोस्तों ये कुल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, इसीलिए मैंने ये आपको वीडियो बनाया है। इसमें आपको इस वीडियो में दोस्तों आपको कम से कम 10-15 कुल के नाम पता चलेंगे, ठीक है। दोस्तों आलू हमारा होता है जो वो सोलोनेसी कुल का पौधा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा यह हमारा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कपास किस कुल से संबंधित है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों कपास कौन से कुल से संबंध रखता है, ठीक है। तो कपास हमारा कौन से कुल से संबंध रखता है, वो रखता है हमारा मालवेसी कुल से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर मालवेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है। आपको बताना है कि जो बैगन होता है वो कौन से कुल का पौधा है, ठीक है। दोस्तों हमारा जो बैगन है वो सोलोनेसी कुल का पौधा है, कौन से कुल का है, सोलोनेसी। तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम है। देखिए दोस्तों ये सबको पता होता है आम का, तो आम का हमारा नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंध रखते हैं। जो हमारे अनाज वाले पौधे होते हैं आपको बताना है कि कौन से कुल से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। तो अनाज वाले पौधे होते हैं हमारे ग्रैमिनी कुल से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारा दलहनी पौधे संबंधित हैं। आपको बताना है कि दलहनी पौधे कौन से कुल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो दलहनी पौधे हैं ये हमारे लेग्नुमेसी कुल से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा सी। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो लेग्नुमेसी कुल हैं ये दोस्तों हमारे नाइट्रोजन का स्थितिकरण करते हैं, ठीक है। जो राइजियम दोस्तों जो जीवाणु होता है राइजोबियम उसका दोस्तों ये स्थितिकरण करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारा सबसे बड़ा कुल है। देखिए आपको बताना है जो सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ा कुल हमारा है कंपोजिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंपोजिटी कुल सबसे बड़ा कुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड नट। दोस्तों ये मूंगफली सबसे ज़्यादा भारत की गुजरात में होती है और विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में होती है, ठीक है। तो मूंगफली का वास्तविक नाम क्या है बताना है आपको। दोस्तों हमारा मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। तो यहाँ पर एरेकिस हाइपोजिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारा चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। देखिए आपको बताना है कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों हमारा जो चाय का पौधा है ये हमारा दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम होता है थियासाइनेसिस, यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी की, तो इसका नाम होता है कॉफिया अरेबिका, ठीक है। तो दोनों का पता आपको होना चाहिए। चाय दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत की असम में होती है, कॉफ़ी भारत के कर्नाटक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है। जो हमारी दोस्तों तेल बीज वाली फसल होती है, जैसे सरसों हैं और दोस्तों तेल वाली फसलें हैं, वो हमारे कौन से कुल से संबंध रखती हैं, ठीक है। तो वो रखती है हमारी क्रूसीफेरी कुल से, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बहुत से कुल यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है। देखिए मटर कैसा पौधा है आपको बताना है, शाक है, पुष्प है या झाड़ी है। तो मटर हमारा है एक शाक पौधा है, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। देखिए आपको बताना है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा सिकोया, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रोफा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो एट्रोपा बेलाडोना है के भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, कौन से भाग से पौधे की। तो ये की जाती है पत्तियों से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पत्तियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिफा पौधे का कौन सा भाग एड्रिफिन औषधि उत्पन्न करता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो एड्रिफा पौधा होता है उसका कौन सा भाग एड्रिफिन औषधि उत्पन्न करता है। तो
इसका आंसर होगा तना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केसर उत्पन्न होता है, आपको बताना है कि केसर उत्पन्न कहाँ से होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा केसर अपने भारत में दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों केसर की उत्पन्न की, दोस्तों ये क्रोकस के वर्तिका और वर्तिग्राय से होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपत्र उत्पन्न होता है, देखिए आपको बताना है कि जो भोजपत्र उत्पन्न होता है ये कहाँ से होता है। तो भोजपत्र उत्पन्न होता है हमारा बैटुला की छाल से, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा बैटुला की छाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लौंग होता है एक, आपको बताना है कि लौंग क्या होता है, सबको सब जानते हैं कि लौंग हमारा शुष्क पुष्प कल का होती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बी। फूल गोभी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर, के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि जो फूल गोभी होते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, तो उसका हम फूल खाते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं जैसे, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। दोस्तों आपको बताना है कि पौधे के कौन से भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। दोस्तों जो कॉफ़ी प्राप्त होती है ये हमारी बीजों से मिलती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम प्राप्त होती है, देखिए आपको बताना है कि जो अफीम है दोस्तों ये हमें कैसे कौन कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। दोस्तों ये होती है हमें पेपेवर सोमनीफेरम से, ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरिनम नामक औषधि प्राप्त होती है, रेस्पिरिनम नामक औषधि कहाँ से प्राप्त होती है हमारी, तो ये होती है हमारे राउ वुल्फिया सर्पेटाइना से, ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा कुनेन, जैसे दोस्तों जानते होंगे आप लोग कि जो मलेरिया की दवाई होती है किससे प्राप्त होती है। दोस्तों में जो कुनेन होती है दोस्तों ये हमारी सिनकोना होती है, उससे हमें प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका और वर्तिग्राय उपयोगी उत्पाद होते हैं किसके, मैंने इससे पहले बताया था अभी ऊपर आपको कि वर्तिका और वर्तिग्राय दोनों हमारे उत्पन्न होती हैं केसर की दोनों, ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा तम्बाकू की पत्तियों में होता है, देखिए दोस्तों आपको बताना है कि तम्बाकू की पत्तियों में क्या होता है। दोस्तों आपको पता होगा जो निकोटीन होता है दोस्तों ये हमारी तम्बाकू की पत्तियों में होता है, और दोस्तों ये हमारा निकोटीन एक हानिकारक पदार्थ होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, तो ये हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए तम्बाकू का, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। दोस्तों जो हमें उच्च रक्तदाब होता है हो जाता है हमारा, तो उससे दोस्तों हमें रोकने के लिए औषधि का नाम बताना है कौन सी औषधि प्राप्त होती है। ये दोस्तों होती है हमें राव वुल्फिया जाती है, ठीक है, इससे हमें प्राप्त होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, जो हमारी दालचीनी होती है ये हमें बताना है कौन से भाग से प्राप्त की जाती है, ठीक है, तो ये हमें छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि तारपीन का तेल प्राप्त किससे होता है, तो ये आप जानते होंगे कि ये चीड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, तारपीन का तेल, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, जो अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि हमारे लौंग होती है मिलती है जो प्राप्त होती है फूल की कली से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है हमारा बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों ये बांस एक पेड़ नहीं है, बांस एक घास है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। और दोस्तों बांस के लिए भारत सरकार ने इस बार 1200 कुछ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है उसको बढ़ावा या उसका ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टडी से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।